भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत दुख के साथ हृदय विदारक घटना को सुनाना पड़ रहा है। हमारा लाडला और संघर्ष कार्य करने वाला इंसान भीमा मंडावी आज शहीद हुआ है, उनके साथ साथ जवान भी शहीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इससे बड़ी असफलता कुछ भी नहीं हो सकती। सरकार जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा देने में असमर्थ होती नजर आ रही है। जब हम दौरे पर गए थे तो वहाँ आम आदमियों ने भी बताया था कि नक्सली बोलते हैं कि हमारी सरकार आ गई है। अब समझ में आया कि क्यों ये बोला जाता है। 100 दिन में भय आतंक से पूरे प्रदेश को जकड़ लिया गया है, इससे बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हमने अनेक चुनाव कराए लेकिन इस प्रकार की स्थिति कभी खड़ी नहीं हुई। ऐसे CM को पद में रहने का अधिकार ही नहीं है जिनके कार्य में जनता और जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। दुख के साथ और हृदय विदारक इस घटना को मैंने सुना जब मैं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में था, और ये हम सब के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उसके चाहने वालों के लिए एक बहुत ही लाडला इंसान, संघर्ष करने वाला इंसान, जो पार्टी के लिए लगातार जीवटता के साथ जूझता रहता था, आज उस घटना में शहीद हुआ। उसके साथ 5 जवान शहीद हुए। मैं इस घटने के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि जब एक विधायक चुनाव के अभियान के 3 दिन पहले सड़क में चुनाव अभियान के लिए निकला है सुरक्षा के कर्मियों के साथ, और वहाँ ब्लास्ट होता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, 5 जवान शहीद हो जाते हैं। सरकार जब विधायक को सुरक्षा देने में असफल रहती है, सरकार जब चुनाव के दौरान सुरक्षा देने में असफल होती है, तो ये 2-3 दिन पहले मैं बस्तर में सड़क में घूम रहा था, वहाँ के बस्तर के कार्यकर्ताओं ने बताया, आम आदमी लोगों ने बताया कि बस्तर में अब नक्सली आम भूल चाल भाषा में कहते हैं अब हमारी सरकार है, हमें चिंता की ज़रूरत नहीं। उस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर आज मुझे समझ में आया क्यों इस प्रकार की भाषा नक्सली बोलते हैं कि हमारी सरकार है। लगातार घटनाएं 1, 2, 3, 4, 5 घटनाएं हुई है, और ये 100 दिन में जिस प्रकार पूरे बस्तर को भय आतंक से मानपुर तक जकड़ लिया है, ये सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है कि पूरा का पूरा बस्तर फिर से असुरक्षित हो गया है। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है जो अपने विधायकों को सुरक्षित ना रख सके, अपनी जनता को सुरक्षित ना कर सके। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश TV, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।